नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामानुजन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो हमारा री एनालिसिस का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें कि हम अपना टॉपिक काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था अबाउट शॉर्डर बस्टिन थ्योरम, तो आज के वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे इसके ऊपर बेस आपकी, और उसके बाद हम डिफाइन करेंगे आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ये आपको काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी को समझने में आपकी हेल्प करेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमने लास्ट टाइम आपको बताया था अबाउट शॉर्डर बस्टिन थ्योरम, तो क्या था उसको हम रिस्टेटमेंट करते हैं। रिजल्ट क्या था आपके पास? शॉर्डर बस्टिन थ्योरम का क्या बोलता है, लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट एज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट एज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट ए वन वन मैप एफ फ्रॉम एक्स टू वाई एंड देयर एग्जिस्ट अनदर वन वन मैप जी फ्रॉम वाई टू एक्स, देन 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 देर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन ए एच फ्रॉम एक्स टू वाई। तो अगर आपके पास दो वन वन मैप्स हैं, एक आपका मैप एक्स से वाई के ऊपर है वन वन मैप, और दूसरा मैप आपका वाई से एक्स के ऊपर है वन वन मैप, देन ये दोनों मैप को कंबाइन करेंगे हम एक बाइजेक्शन डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम एक्स टू वाई। तो ये रिजल्ट हम यूज करते हैं अगर आपको दो सेट्स की कार्डिनलिटी को इक्वल प्रूव करना हो। तो आपको दो सेट की कार्डिनलिटी इक्वल कब होती है, इफ एंड ओनली इफ उनके बीच में कोई आपका बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर जाए। अब एक तरीका तो ये था कि आप बाइजेक्शन की वैल्यू निकालिए, जो कि हर बार इतना आसान नहीं होता है, तो हम यहाँ पे इस रिजल्ट को यूज करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। हम क्या करते हैं, हम एक मैप डिफाइन करेंगे फ्रॉम एक्स टू वाई जो कि वन वन होगा, और दूसरा मैप डिफाइन करेंगे फ्रॉम वाई टू एक्स जो कि वन वन होगा। और फिर हम बोल सकते हैं कि यूजिंग शॉर्डर बस्टिन थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई एंड हेंस कार्डिनलिटी ऑफ सेट एक्स एंड सेट वाई आर सेम। कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इसके ऊपर, आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल शो दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्रॉस सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि दोनों सेट की कार्डिनलिटी के आपके पास सेम है, आपको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे इसे, पहले एक बाइजेक्शन डिफाइन करते हैं फ्रॉम एफ फ्रॉम एन क्रॉस एन टू एन, मुझे एक बाइजेक्शन चाहिए। तो क्या करूंगा,
एफ ऑफ एन एम कहां पे सेंड कर दूंगा, इट विल बी 2 की पावर एन एंड 3 की पावर एम। देन दिस एफ इज 1 1, आप इजिली चेक कर सकते हैं आपका जो मैप है कैसा है, 1 1 मैप है। अगर आप यहां से देखेंगे दिस मैप इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू, बट मुझे शॉर्टर बस्टिन थ्योरम अप्लाई करने के लिए ऑन टू मैप नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, 1 1 मैप चाहिए। तो आपका जो एफ है 1 1 मैप तो है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑन टू मुझे चाहिए नहीं। नाउ अब एक मैप डिफाइन करूंगा फ्रॉम जी, फ्रॉम एन टू एन क्रॉस एन। क्या मैप डिफाइन कर सकता हूं, लेट जी एन गोज टू एन कॉमा वन, एज अगेन देन जी इज 1 1 मैप। सो आई हैव ए मैप एफ फ्रॉम एन क्रॉस एन टू एन विच इज 1 1, और मेरे पास एक मैप और है जी विच इज फ्रॉम एन टू एन क्रॉस एन विच इज अगेन 1 1। यूजिंग शॉर्टर बस्टिन थ्योरम देर एग्जिस्ट यूजिंग शॉर्टर बस्टिन थ्योरम देर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन एच फ्रॉम एन टू एन क्रॉस एन एंड हेंस सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल इनटू सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्रॉस सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इट इंप्लाइज दोनों साइड की कर्नलिटी क्या हो जाएगी आपके पास सेम हो जाएगी। तो यह एक एग्जांपल था एप्लीकेशन ऑफ शॉर्टर बस्टिन थ्योरम। एक एग्जांपल और करते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड, शो दैट कर्नलिटी ऑफ एन इज सेम एज कर्नलिटी ऑफ एन क्रॉस एन क्रॉस एन। तो मैंने यहां पे 3 बार एन को मल्टीप्लाई किया है, तो दोनों साइड कर्नलिटी क्या होगी, सेम होगी, आपको प्रूफ करना है। तो अगेन हम यूज किसका करेंगे, शॉर्टर बस्टिन थ्योरम का। उसके लिए पहले एक मैप डिफाइन करते हैं एफ फ्रॉम एन टू एन क्रॉस एन क्रॉस एन। मैप क्या हो सकता है, एफ ऑफ एन गोज टू से एन कोमा वन कोमा टू, एंड दिस एफ इज 1 1। ऑब्वियसली एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू, बट मुझे जरूरत भी नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट एफ टू बी 1 1, तो माई एफ इज 1 1। नाउ एक मैप डिफाइन करेंगे जी फ्रॉम एन क्रॉस एन क्रॉस एन टू एन, एंड जी ऑफ से एन वन एन टू एन थ्री, एंड दिस गोज टू 3 की पावर एन वन 3 की पावर से एन टू एंड 5 की पावर से एन एन थ्री। सो यू कैन चेक दिस जी इज 1 1 मैप। जीज 1 1 मैप, इट इम्प्लाइज यूजिंग अगेन शॉर्टर बस्टिन थ्योरम दिस टू सेट्स आर इक्विवेलेंट, सो इट इम्प्लाइज सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्विवेलेंट टू एन क्रॉस एन क्रॉस एन एंड हेंस देयर कर्नलिटी इज सेम। तो कर्नलिटी ऑफ एन इज सेम एज कर्नलिटी ऑफ एन क्रॉस एन क्रॉस एन। नाउ अगेन हमने एग्जांपल किया यूजिंग शॉर्टर बस्टिन थ्योरम। अभी आपके पास एक एक्सरसाइज है, शो दैट
कर्नलिटी ऑफ एन इज सेम एज कर्नलिटी ऑफ एन क्रॉस एन क्रॉस एन हाउ मेनी टाइम्स, दिस इज के टाइम्स, दिस क्रॉस इज के टाइम्स। तो कुछ शो करने हैं दोनों साइड की कर्नलिटी क्या होगी, सेम होगी यूजिंग शोडर बस्टिन थ्योरम। जैसे हमने ऊपर दो एग्जांपल्स किए हैं एग्जैक्टली आपको ऐसे ही करना है। पहले एग्जांपल में हमने दो बार क्रॉस किया था, वहां पे के आपका टू था। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने आपको तीन बार क्रॉस किया तो आपका यहाँ पे के कितना था, थ्री था सेकेंड एग्जाम्पल में। बट इस एक्सरसाइज में हम जनरल कर रहे हैं तो आपका के कुछ भी हो सकता है। कोई शो करना है कि दोनों साइड की कर्नलिटी क्या होगी, सेम होगी यूजिंग शोडर बस्टिन थ्योरम। ओके तो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और करते हैं। एग्जाम्पल शो दैट सेट ऑफ नेचुरल सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कर्नलिटी सेम एज एन क्रॉस एन। आपको शो करना है कि सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कर्नलिटी सेम एज सेट ऑफ एन क्रॉस एन। ओके तो अगेन एक मैप डिफाइन करते हैं फ्रॉम एफ फ्रॉम सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स टू एन क्रॉस एन। और मैप क्या डिफाइन करेंगे, ऑब्वियस चॉइस इज एफ ऑफ एन एम नॉट एन एम, एफ ऑफ एन बाई एम इज इक्वल टू एन इंटू में एम। दिस मैप इज वन वन, एफ इज वन वन मैप। नाउ एक मैप डिफाइन करते हैं जी फ्रॉम एन क्रॉस एन टू सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। मैप क्या होगा, एन एम गोज टू थ्री पावर एन एंड थ्री पावर एम, इस अगेन जी इज वन वन। अगेन यूजिंग शॉर्टर बस्टिन थ्योरम देर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन बिटवीन सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स टू सेट ऑफ एन क्रॉस एन। इट इंप्लाइज यूजिंग शॉर्टर बस्टिन थ्योरम सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज इक्वल टू एन क्रॉस एन एंड हेंस देयर कर्नलिटी सेम। इट इंप्लाइज सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैव सेम कर्नलिटी एज सेट ऑफ एन क्रॉस एन। ओके नाउ प्रूव दैट सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैव सेम कर्नलिटी एज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपको ये प्रूव करना है कि जितने आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं उतने आपके पास पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं। एंड दिस इज वेरी इजी, हम प्रूफ क्या कर चुके हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू एन क्रॉस एन। और ये भी हम प्रूव कर चुके हैं कि सेट ऑफ एन क्रॉस एन इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एग्जाम्पल में प्रूफ किया था। और ये रिलेशन कैसे आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन, इट मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इट इंप्लाइज कर्नलिटी ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज सेम एज कर्नलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपके पास जितने जितने आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं उतने आपके पास क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं। ओके नेक्स्ट आपके पास एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज शो दैट सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इक्वल इन टू सेट ऑफ इंटीजर क्रॉस सेट ऑफ नेचुरल नंबर। या कुछ शो करना है, इट मीन्स दोनों की कर्नलिटी क्या होगी, सेम होगी अगेन यूजिंग शॉर्टर बस्टिन थ्योरम।
ये आपका एक्सरसाइज है, तो दिस इज अगेन इजी। नाउ एक एग्जांपल और करते हैं, शो दैट ए बी इज इक्विवेलेंट टू ए बी क्लोज इंटरवल। आपका ए बी ओपन इंटरवल है और एक साइड आपका ए बी क्लोज इंटरवल है, आपको शो करना है कि दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्विवेलेंट्स होंगे, दोनों की कार्डिनलिटी क्या होगी, सेम होगी, आपको शो करना है। तो कैसे करेंगे, अगेन यूजिंग शोडर-बोस्टिन थ्योरम। फर्स्ट वी डिफाइन ए मैप फ्रॉम ओपन इंटरवल ए बी टू क्लोज इंटरवल ए बी, और मैप कैसे होना चाहिए, पास वन वन मैप होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स गोज टू एक्स, दिस इज ऑब्वियस चॉइस फॉर एवरी एक्स बिटवीन ए टू बी ओपन इंटरवल, दिस मैप इज ऑब्वियसली वन वन, एफ इज वन वन मैप। अब मुझे अदर वे अराउंड करना है, मुझे एक मैप डिफाइन करना होगा वन वन जो कि कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, जी फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू ओपन इंटरवल ए बी। Now we need to define a one one map from this closed interval AB to open interval AB. अब वो कैसे define करेंगे, देखिए this is A and this is B, so this is alpha and this is beta, where alpha beta two different real numbers between A and B, then closed interval alpha beta a subset of open interval ए बी। अब हम आपकी वीडियोज में प्रीवियस कर चुके हैं कि आपको जो इंटरवल ए बी है क्लोज इंटरवल इज इक्वलेंट टू क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा, आप इसको एक बाइजेक्शन डिफाइन कर सकते, दोनों सेट्स के बीच में एक बाइजेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, बाइजेक्शन थ्रू स्ट्रेट लाइन्स। हम एक स्ट्रेट लाइन को मैप कर देंगे जो कि ए को मैप करेगा अल्फा पे और बी को मैप करेगा बीटा पे थ्रू स्ट्रेट लाइन। तो वी कैन डिफाइन ए बाइजेक्शन बिटवीन क्लोज इंटरवल ए बी टू क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट माय एच इज बाइजेक्शन एल ए टू बी टू अल्फा बीटा, वेयर एच इज बाइजेक्शन, और मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूँ टू स्ट्रेट लाइन, ये हम पहले भी कर चुके हैं, बाइजेक्शन हम डिफाइन भी किया था। नाउ जबकि अल्फा बीटा किसका सबसेट है, ए बी का, बट इस अल्फा बीटा इज सबसेट ऑफ ए बी ओपन इंटरवल्स, मीन्स आपका जो मैप है ये क्या होगा, वन वन होगा, दिस इज बाइजेक्टिव, इट इम्प्लाइज दिस एच इज वन वन। तो अगर आपकी जो कोडोमेन है, अगर वो आपका क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा है, तो आप तो ये मैप बाइजेक्शन है, बड़ा आप उसको हटा के अगर ओपन इंटरवल ए बी अगर रखोगे, बट स्टिल आपका मैप तो वन वन ही रहेगा, इट मे नॉट बी ऑन टू बट स्टिल इट इज वन वन मैप। तो इट इम्प्लाइज मैं जो डिफाइन करूँगा जी फ्रॉम ए बी ओपन इंटरवल टू क्लोज इंटरवल ए बी टू ओपन इंटरवल ए बी, मैप क्या होगा जी एक्स इज इक्वल टू एच एक्स, और एच मैप कौन सा है आपका, ये आपका एच मैप है, और ये क्या आपका बस बाइजेक्शन है, इट मीन दिस इज वन वन, इट इम्प्लाइज दिस जी इज वन वन सिंस एच इज वन वन, दिस जी मे नॉट बी एन ऑन टू मैप, पर दिस इज वन वन, ऑन टू मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ वन वन चाहिए था। Now, using again Schroeder-Boschin theorem, there exists a bijection between these two intervals. It implies there exists a bijection phi from open interval AB to closed interval AB to open interval AB such that phi is bijection. Using Schroeder-Boschin theorem,
एंड हेंस दे आर इक्विवेलेंट सेट। एंड हेंस देयर कर्नलिटी इज सेम। ओके नाउ एक हम रिजल्ट करते हैं, उसके बाद हम अगले प्रॉब्लम्स करेंगे। हमारा रिजल्ट इज लेट ए इज इक्वल टू से सी एंड बी इज इक्वल टू से डी, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी। This is the result and proof is very easy. Proof kya hai iska? Now A is equivalent to C, it means there exists a bijection between A and C. So there exists a bijection F from A to C where F is bijection. Again, B is equivalent to D. It means there exists a bijection between B and D. There exists a bijection G between B and D, where G is bijection. Now, मुझे प्रूव क्या करना है? A cross B is equivalent to C cross D. तो मुझे क्या करना होगा इसके लिए? मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना होगा A cross B से C cross D पे, और वो फंक्शन कैसा होना चाहिए? आपके पास bijection होना चाहिए। तो obvious choice क्या आपके पास? A cross B to C cross D. Let my function H is H of AB. So, कैसे मैप करूंगा? It is F of A, comma G of B. Using F and G. और F और G आपके कैसे दोनों bijection हैं? तो आप इसको easily prove कर सकते हैं. H is bijection. It implies my H is bijection. Since F and G are bijections, for agree bijection it implies A cross B is equivalent to C cross D. It implies A cross B is equivalent to C cross D. It implies दोनों की कर्नलिटी क्या होगी? एक पास सेम होगी. Okay. इसका हम एप्लीकेशन कैसे करते हैं? एप्लीकेशन क्या हो सकता है? वी नो दैट Z इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड Q पॉजिटिव इज इक्वल टू अगेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर. इट इंप्लाइज Z cross Q positive is equivalent to N cross N, but N cross N is equivalent to N itself. It implies Z cross Q positive is equivalent to set of natural number. दोनों set की कर्नलिटी क्या हो जाएगी? Same हो जाएगी. So it implies कर्नलिटी of Z cross Q positive is same as cardinality of set of natural number. Now, अब मुझे प्रूफ करना है प्रॉब्लम के पास एग्जाम्पल. Prove that Q is equivalent to set of integer cross N. ये आपको प्रूफ करना है. तो अगेन मैं क्या करूंगा? यूजिंग Schrödinger-Bostin थ्योरम. तो लेट F इज ए मैप फ्रॉम Q टू Z क्रॉस N. मैप क्या होगा आपके पास? आपके पास कोई भी दो
एक आपके पास क्या है, रेशनल नंबर है, इट इज एन बाई एम फॉर्म का होगा, तो कहाँ सेंड कर देंगे, एन क्रॉस एम के ऊपर, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एम बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। तो एफ इज वन वन मैप, एफ इज वन वन मैप। अब अदर वे राउंड, मुझे फंक्शन निकालना होगा z क्रॉस n से q के ऊपर जो कैसा हो, वन वन हो, देन डिफाइन g फ्रॉम z क्रॉस n टू q, कैसे मैप डिफाइन करेंगे, एन एम एंड दिस गोज टू n बाई m, नॉट n बाई m, देन दिस विल बी नॉट वन वन, 2 की पावर n and 3 की पावर m. Now this is one one map. Then g is one one map. So I have a map f from q to z cross n which is one one, and I have another map g from z cross n to q which is one one. So using Schröder-Bassin theorem, there exists a bijection between q and z cross n. It implies there exists a bijection from z cross n to q, and hence which is H's bijection, and hence z cross n is equivalent to set of rational number. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास क्या है, यूजिंग दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है आपके पास, नाउ वी नो जेड इज इक्वलिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर और एन इज इक्वलिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, obviously it implies z cross n is equivalent to n cross n. Using this result jo humne bhi proof kiya tha, this result using this, to mujhe aise ye mil jayega, so this is this, but q is equivalent to, abhi maine proof kiya hai, z cross n, and z cross n is equivalent to n cross n, but मुझे पता है कि n cross n equivalent to n, ये प्रूफ कर चुका हूं मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फ्रॉम दिस इट इंप्लाइज q इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इट मीन्स कार्नलिटी ऑफ दिस टू सेट्स आर सेम, सो इट इंप्लाइज कार्नलिटी ऑफ क्यू इज सेम एज कार्नलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट मीन्स आपके पास जितने नेचुरल नंबर्स हैं उतने आपके पास क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं, तो देर आर एज मैनी एज नेचुरल नंबर्स, देर आर एज मैनी रैशनल नंबर्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ रेशनल नंबर्स की जो कार्नलिटी होगी आपके पास क्या आएगी, सेम रहेगी, ये आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, शो दैट जीरो टू वन क्रॉस जीरो टू वन इज इक्वल टू जीरो टू वन, यानी इस सेट की कर्नलिटी इज सेम एज कर्नलिटी ऑफ ओपन इंटरवल जीरो टू वन, कैसे प्रूव करेंगे इसे, अगेन यूजिंग Schröder-Bassin थ्योरम, लेट माई एफ इज फ्रॉम जीरो वन टू जीरो वन क्रॉस जीरो वन, तो मैप क्या होगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स
goes to x comma half, then f is 1 1. इजिली एफ इज 1 1, तो मुझे एक मैप मिल गया 0 1 से 0 1 क्रॉस 0 1 के ऊपर जो कि 1 1 है. नाउ अदर वे अराउंड मुझे एक मैप चाहिए होगा 0 1 क्रॉस 0 1 से 0 1 के ऊपर जो कैसा हो 1 1 हो. नाउ जी फ्रॉम 0 1 क्रॉस 0 1 टू 0 1 एंड दिस मैप शुड बी 1 1, जी शुड बी 1 1. क्या पैसे में आप डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट विच इज 1 1. क्या आप डिफाइन कर सकते हैं? देखिए कैसे करेंगे. इस मैप को डिफाइन करने के लिए हम हेल्प लेंगे आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स का. लेट जी इज जी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई x belongs to 0 1 and y belongs to 0 1. So x and y are real numbers between 0 and 1. So इनका क्या होगा? एक decimal representation होगा x and y का, because every real number has a decimal representation. So my x is 0.x1, x2, x3, x4 and so on. Similarly, y equals to 0.y1, y2, y3, y4 and so on, where each of xi is between 0, 1, 2, 3 up to 9, and each of yi belongs to 0, 1, 2, 3 up to 9. So, ये आपका क्या है? Decimal representation है point x और y का. अब इसको मैं यूज करूंगा टू रिप्रेजेंट ए इंजेक्टिव मैप. कैसे करेंगे? मैं अब इसको मैं कहां पुट करूंगा, 0. पहले इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले लेता हूं x1, देन यूज फर्स्ट पॉइंट ऑफ y विच इज y1, देन सेकंड ऑफ x विच इज x2, देन y2, then x3 and y3 and so on. So this point is obviously is between 0 to 1, because aapka ye point kya hai, positive hai aur x se kam hai, so this is between 0 to 1 and g is also 1 1. Not that g is 1 1. आपको एक प्रूफ करना है, इजी एक्सरसाइज है, प्रूफ दैट दिस माय मैप जी इज 1 1 मैप. सो अब मैं एक मैप डिफाइन कर दिया जी 0 1 क्रॉस कॉमा 0 1 से 0 1 के ऊपर विच इज 1 1. सो यूजिंग शॉर्टर बर्स्टिंग थ्योरम जीरो वन क्रॉस 0 1 is equivalent to open interval 0 1, so it implies दोनों कॉन्टिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. Now we know that 0 1 is equivalent to set of real line. आप एक बाइजेक्शन डिफाइन कर सकते हैं इन दोनों के बीच में. और अभी हमने क्या प्रूफ किया कि 0 1 क्रॉस 0 1 इज इक्वलिंग टू 0 1. सो इट इंप्लाइज R cross R is equivalent to R using these two results. कैसे आएगा ये?
because of this it implies 01 is equivalent to R. It implies 01 cross 01 equivalence to R cross R. But अभी मैंने प्रूफ किया कि ये सेट किसके इक्विवेलेंट है 01 के. इट इंप्लाइज 01 इज इक्विवेलेंट टू 01 क्रॉस 01 एंड इक्विवेलेंट टू R क्रॉस R. बट दिस सेट इज इक्विवेलेंट टू R. यूजिंग दिस इट इंप्लाइज R is equivalent to R cross R. It means cardinality of these two sets are equal, so it implies cardinality of R is same as cardinality of R cross R. But R cross R क्या represent करता है? Plane. This is plane. तो ये रिजल्ट को क्या बता रहा है? कि आपके पास प्लेन में इतने ही पॉइंट्स हैं जितने आपके पास रियल लाइंस के ऊपर पॉइंट्स हैं. दोनों सेट की कार्डिनलिटी के सेम है. दे आर सेम नंबर ऑफ रियल नंबर्स एज दे आर सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन. तो आप यहां से ये भी बोल सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर इज सेम एज कार्डिनलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आर क्रॉस आर, बिकॉज माई जेड इज एक्स प्लस आयोटा वाई. तो हर एक जो पॉइंट है वो आपका दो यूनिक रियल नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा है. सो सी इज सेम एज आर क्रॉस आर. बट आर क्रॉस आर की आइडेंटिटी किसकी इक्वल है? आर की इक्वल है. इट इंप्लाइज आपके पास इतने ही कॉम्प्लेक्स नंबर है जितने आपके पास रियल नंबर्स हैं. तो आर एंड सी हैव बोथ सेम कार्डिनलिटी. So we have same number of complex numbers as we have real numbers. I hope आपको ये चीज क्लियर हो रही होंगी. हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ओके, आपके पास अगेन एक एक्सरसाइज है. एक्सेस के आपके पास आपको शो करना है शो दैट आर क्रॉस आर क्रॉस आर हाउ मेनी टाइम्स दिस इज के टाइम्स इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर. ये आपके पास एक्सरसाइज है, आपको प्रूव करना है यूजिंग अगेन शॉर्डर-बर्स्टीन थ्योरम. इट इंप्लाइज इन दोनों सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? सेम होगी. In particular, if my k is 3, it implies R cross R cross R is equal to R. It implies this is just R cube. It implies R cube ki cardinality is same as cardinality of R. Aur R cube kya denote kar raha hai? Space. इट मीन्स आपके पास स्पेस में उतने ही पॉइंट्स हैं जितने आपके पास रियल लाइंस में पॉइंट हैं. दोनों की कार्डिनलिटी क्या? सेम है. तो दिस अगेन वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट. आपके पास स्पेस में उतने ही पॉइंट्स हैं जितने आपके पास रियल लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं. ओके, तो दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू कि आपको ये चीज प्रूव करनी है कि दोनों साइड की कार्डिनलिटी आपके पास सेम है. आपको जो चीज चाहिए वो ऑलरेडी मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बता चुका हूँ, इसलिए आपको उसको अप्लाई करना है. चलिए नेक्स्ट करते हैं. अब हम आते हैं फाइनाइट सेट्स के ऊपर कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं. डेफिनेशन फाइनाइट सेट. What is finite set? A non-empty set X is called finite set
इफ देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन बिटवीन ए एंड वन टू थ्री अप टू एन वेयर एन इज सम नेचुरल नंबर. तो बोले आपका जो सेट है वो फाइनाइट सेट है. अगर आप उस सेट ए के बीच में और इस सेट के बीच में कोई आपका बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर जाए जो कि एन के आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर है. अगर ऐसा हो रहा है फॉर सम नेचुरल नंबर तो आपका जो सेट ए हो क्या होगा फाइनाइट होगा, अदरवाइज वो फाइनाइट नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एग्जाम्पल की तो देखता हूँ. लेट सेट ए लेते हैं आपका सपोज से एक्स वाई एंड जेड. अब मुझे चेक करना है क्या ये सेट फाइनाइट सेट है यूजिंग दिस डेफिनेशन. वैसे मुझे पता है कि सेट फाइनाइट सेट है बट यूजिंग डेफिनेशन मुझे चेक करना है क्या ये सेट फाइनाइट सेट है. आंसर इज येस बिकॉज अगर मैं एन को यहाँ पर थ्री लेता हूँ टेक एन इक्वल्स टू थ्री मेरे पास सेट क्या बन जाएगा. तो देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू वन टू एंड थ्री और वो बाइजेक्शन क्या होगी एफ ऑफ एक्स इज से वन एफ ऑफ वाई इज से टू एंड एफ ऑफ जेड इज से थ्री. तो दिस इज बाइजेक्शन. आपके पास एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर गई फ्रॉम सेट ए टू दिस सेट. तो बाय डेफिनेशन सेट ए इज फाइनाइट सेट. इट इंप्लाइज सेट ए इज फाइनाइट सेट. नाउ अंदर नोटेशन क्या आपके पास. तो इफ ए इज फाइनाइट सेट अगर आप ए कोई फाइनाइट सेट है इट इंप्लाइज देर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर सच दैट देर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन बिटवीन ए टू वन टू थ्री अप टू एन. ए आपका बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा वेर एफ इज बाइजेक्शन. Then this n is called number of elements in set A or in other words n is called cardinality of set A. Then this n is called cardinality of कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए नॉट फॉर ए दिस एन इज यूनिक. दिस एन इज यूनिक. फॉर एग्जाम्पल हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें आपका एन कितना था थ्री था. For every finite set, this my n is always unique, and this n की जो value आएगी वो क्या होगी. This is called cardinality of this set A. Finite set की cardinality को हम denote करेंगे उस number से. It implies my cardinality of set A is equal to n in this case, where A is finite set. Where A is finite set. Now next definition which is infinite set. Infinite set let A is any set then we say A is infinite set if A is not finite set. If A is not finite set. तो अगर आपका सेट फाइनाइट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे दिस इज इनफाइनाइट सेट. फॉर
एग्जाम्पल एग्जाम्पल कैन फाइंड सेट का सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट सेट। बट इसकी प्रूफ कैसे करेंगे, वाई एन इज इनफाइनाइट सेट, क्वेश्चन इज वाई। इनफाइनाइट सेट कैसे होगा, उसके लिए मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि एन इज नॉट फाइनाइट सेट। फॉर दिस वी हैव टू प्रूव एन इज नॉट फाइनाइट सेट। फॉर दिस वी हैव टू प्रूव एन इज नॉट फाइनाइट सेट। तभी हम बाय डेफिनेशन बोल सकते हैं कि आपका जो n है क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, अगर हमने प्रूफ कर दिया कि आपका जो n है वो एक फाइनाइट सेट नहीं है। और ये कैसे प्रूव करेंगे आपका जो n एक फाइनाइट सेट नहीं है, उसके लिए को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि देयर कैन नॉट बी एनी बाइजेक्शन बिटवीन n एंड दिस सेट 1, 2, 3 up to m, वेयर m इज एनी नेचुरल नंबर, देयर कैन बी there cannot be any bijection, there cannot be any bijection for any m belongs to n। किसी भी m के लिए आपका यहां पे bijection exist नहीं कर सकती, आपको ये प्रूफ करना होगा। अगर आपने प्रूफ कर दिया, it implies by definition set n is not a finite set, and if you not a finite set, it implies this is infinite set। तो ये आपका method of proof है इसको करने के लिए। Okay, अब हम कुछ important properties लिखते हैं finite sets की, जो कि दिखने में obvious properties हैं, but उनका अगर आपको proof देखना है तो आप किसी भी standard book से देख सकते हैं set theory की, उनसे भी के proof आपको मिल जाएंगे, but they are very easy to visualize। तो रिजल्ट हम लिखते हैं डायरेक्ट। सम वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिगार्डिंग फाइनाइट सेट। पहला रिजल्ट आपके पास क्या है, लेट ए इज एनी फाइनाइट सेट विद एन एलिमेंट्स and let B is a proper subset of A, B is proper subset of A means B is subset but not equals to A, then there cannot be exist a bijection between A and B, then there is no bijection between A and B। तो अगर आपके पास A कोई फाइनाइट सेट है विथ से n एलिमेंट्स, B आपके पास कोई भी प्रॉपर सबसेट है, मीन सबसेट तो है बट A के इक्वल नहीं है, देन देर कैन नॉट बी एनी बाइजेक्शन बिटवीन A एंड B। फॉर एग्जाम्पल ये रिजल्ट क्या बोल रहा है, अगर मैं सपोज ए को ले लेता हूं, सपोज x, y एंड z, और सपोज b को ले लेता हूं मैं सपोज x और y, तो b क्या होगा, आपके पास एक प्रॉपर सबसेट है a का, तो दिस रिजल्ट सेज देयर कैन नॉट बी एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन बिटवीन दिस टू सेट्स, एंड दिस इज ऑब्वियस,
बिकॉज आपका सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तीन हैं, बट सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, दो हैं, तो देर कैनॉट बी आई बाइजेक्शन। बट इनका अगर प्रूफ का अगर चेक करना है, रिग्रेस प्रूफ आपको चेक करना है, यू कैन टेक एनी स्टैंडर्ड बुक ऑफ सेट थ्योरी, वहाँ से आपको ये सब प्रूफ मिल जाएंगे। तो यहाँ हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम रिजल्ट को यूज़ करेंगे। तो ये आपका प्रॉपर्टी की फाइनाइट सेट की, एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फाइनाइट सेट की, बिकॉज ये प्रॉपर्टी आपको डिफरेंस करती है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट्स में। इसी प्रॉपर्टी के बेसिस को हम डिफरेंस करते हैं फाइनाइट सेट में और इनफाइनाइट सेट्स में। इनफाइनाइट सेट्स में क्या होता है कि ए सेट इज सेट टू बी इनफाइनाइट सेट इफ देयर एग्जिस्ट ए प्रॉपर सबसेट B of A such that there exists a bijection between B and A। तो लिख देता हूं इनफाइनाइट सेट लेट A इज एनी सेट देन A इज इनफाइनाइट सेट if and only if there exists a proper subset of A, there exists a proper subset B of A such that there exists a bijection बिटवीन ए एंड बी। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है किसकी, इनफाइनाइट सेट्स की। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट। नाउ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम इसको इजिली प्रूव कर सकते हैं कि दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी we can easily prove set of natural number is infinite set। why hum set lete hain set of all even natural numbers, then obviously there exists a bijection between n to 2n, aur bijection kya hoga, n goes to 2n and this is bijection। n to n is प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास एक ऐसा प्रॉपर सबसेट है सच दैट दोनों के बीच में, एन के बीच में और टू एन के बीच में आपका एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट इम्प्लाइज एन मस्ट बी एन इनफाइनाइट सेट। तो ये एक दूसरा तरीका था सेट ऑफ नेचुरल नंबर को इनफाइनाइट सेट प्रूव करने का, तो दिस इम्प्लाइज सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट। एक आपके पास एक्सरसाइज है, prove that set of rational number is also infinite set। ये प्रूव करिए कि आपके पास जो सेट ऑफ रेशनल नंबर हो कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। कैसे प्रूव करेंगे, आपको यहां पे एक प्रॉपर सबसेट निकालना होगा। लेट बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू such that there exists a bijection between Q and B and this should be bijection। तो आपको दो चीज करनी होंगी, पहले तो आपको सेट B निकालना होगा, then we need to define this bijection। तो हम बोल देंगे by definition this Q is infinite set। तो आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं फाइनाइट सेट्स की वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और फिर हम डिफाइन करेंगे आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने जो भी हमने यहाँ पे कंसेप्ट पढ़े हैं आपको क्लियर हो गए होंगे।
प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड चैनल विद योर फ्रेंड्स, जिससे कि उन्हें भी इस चीज़ का फायदा मिल सके। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप IIT जैम 2021 को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है, तो वहाँ पे जाके आप मेरे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।